me like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सभी को फ़ॉरेक्स उस्ताद के इस पेड ट्रेनिंग सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। कल हमने हैंजिंग मैन और हमर को पढ़ा था। हमने ये देखा था कल, हमर और हैंजिंग मैन में एक बात मुश्तरक है कि इनकी बॉडी ऊपर होती है और जो विक है उसके नीचे होती है। लाइक हमने ये कल पढ़ा था कि ये हमर बना हुआ है, ये अगर यही मार्केट के ऊपर वाले हिस्से पे बना होता सेम यही चीज बुलिश बने या बैरिश बने इससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये हैंजिंग मैन बन जाता है। जब यही डाउन ट्रेंड के एंड पे बने हमर, जब यही अप ट्रेंड के एंड में बने तो हैंजिंग मैन। इतनी सिंपल सी बात है। एक छोटी सी कैंडल को समझाने के लिए मैंने 5-6 स्लाइड दी और उस पर भी आप लोगों ने मेहनत करना गवारा नहीं की। ये सिर्फ फाहद तारिक का ही कसूर नहीं है। अगर फाहद तारिक ने एक गलत चीज पोस्ट कर दी है तो तुम लोगों को उसको एग्जाम्पल देनी चाहिए थी, तुम लोगों को उसको सही चीज दिखानी चाहिए थी। यहाँ पे मेरे एक दोस्त ने, मेरे एक बड़े अच्छे स्टूडेंट ने कहा है कि ये हमर नहीं है, लेकिन फाहद तारिक को समझाया नहीं कि हमर होता क्या है। उमर भाई, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, अच्छे मार्क्स दिए आपने हर दम, लेकिन आपको फाहद तारिक आपका एक क्लास फेलो था, आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि भाई ये हमर होता नहीं है, हमर ये होता है, ये देखो ये बना हुआ। चलें हम फाहद तारिक भाई के स्क्रीनशॉट से ही हमर तलाश करते हैं और उसकी कंफर्मेशन और फेलियर देखते हैं। ओके जी, कल एक मेरा स्टूडेंट है उमर, तो बड़ी उन्हें आखर चुकी हुई सी पंजाबी में ना, बार बार वो चैट में कह रहा था कि जी सर जी लाइव एग्जांपल दिखाएं, सर जी लाइव एग्जांपल दिखाएं। एक्चुअल में मेरा लाइव एग्जांपल दिखाने का मकसद यही था, ना दिखाने का मकसद ये था कि मुझे पता चले कि तुम लोग कितने पानी में हो, क्या तुम लोग तलाश करते हो कुछ चीज, क्या तुम घर जाके होमवर्क करते हो। सिर्फ आप लोगों की आंखों में हर टाइम डॉलर का जो निशान है, यूरो का निशान है, उसका पर्दा बंधा रहता है, मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, फ्री होते हो टोटली। कोई बजाय इसके कि मुझे आप लोग हेल्प करो, मुझे गाइड करो, सर जी हमर में ये भी चीज होती है, सर जी हमर में एक ये भी रूल है, मेरे साथ कंसल्ट करो, ग्रुप में कोई अपडेट करो, लोगों की हेल्प करो, तुम लोग अपनी मदद आप भी नहीं कर सकते, तुम दूसरों की हेल्प क्या करोगे। एनी हो, मेरा काम तो है आपको पढ़ाना भाई, मैं तो पढ़ाता जाऊंगा। नंबर वन, पहला अमर, कंफर्मेशन हुई, जिसने भी बाय ले ली उसने तो अच्छा खासा कमाया। सेकंड हमर, इतनी बड़ी विक, 5-6 गुना बड़ी है बॉडी से, इतनी बड़ी हमर, उसके बाद कंफर्मेशन देखो, और ये 3 या 4 कैंडल्स के बाद देखो कितना ऊपर गई है। कोई मसला नहीं, आगे चलते हैं। हैंजिंग मैन, ये फाहद तारिक भाई ने जो स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है मैं उसी में दिखा रहा हूं। अगर तुम लोग लाइव चार्ट देखो तुम्हें इससे भी ज्यादा नजर आएंगे। तुम लाइव चार्ट देखो, अब ये देखो हैंजिंग मैन नजर आया, हैंजिंग मैन बना हुआ है लेकिन उसकी कंफर्मेशन ही हुई, लेकिन उसने भी अच्छा खासा मार्कअप दिया है तीसरी कैंडल के बाद। फेलियर, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे, आज मेरे स्टूडेंट बोल पड़ेंगे और ये इतनी गलतियां निकालेंगे,
ये हमर और हैंजिंग मैन पे इतने क्वेश्चन पूछे हुए थे, मैं तो डर रहा था कि मैं किस किस का क्या क्या आंसर करूंगा। मुझे क्या पता था ये लोग तो फकीर, लकीर के फकीर लोग हैं, नलायक लोग होंगे, इनको कहना है भाई ये कहां चिट्टा होता है, इन्होंने कहना ठीक है सर चिट्टा ही होता है। आप लोगों के मेंटेलिटी लेवल, आप लोगों को जज करने के लिए मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक्स लूपहोल्स छोड़ देता हूं। समटाइम बड़ी रियल दिखने वाली मिस्टेक्स हो रही होती हैं, कभी किसी ने नोटिस नहीं किया, कभी किसी ने करेक्शन करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी ने अपना माइंड यूज करने की कोशिश नहीं की। तुम लोग ये कर सकते हो, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है, कोई जादू टूना नहीं है। जितने एक हमर और एक हैंजिंग मैन को लेके मैंने पूरा एक घंटा जाया किया, और फिर उसके पहले आपको तरीका भी समझाया कि भाई किस तरह से चार्ट बनाना है, किस तरीके से आपने ज्यादा चार्ट्स को व्यू करना है अच्छे तरीके से, किस तरीके से इजीली आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, प्रोफाइल सेव करना, थीम सेव करना वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी के सर पे कोई जू रिंगी है। मैं अगर इतने छोटे से स्क्रीनशॉट में दो तीन हैंजिंग मैन निकाल सकता हूं हमर वगैरह, तो आप लोग तो क्या क्या नहीं कर सकते यार। हम लोग लाइव चार्ट देखें तो पता नहीं क्या क्या निकाल लें। लेकिन नहीं, मैं तो देख रहा था आपको क्या करते हो आप लोग, तो भाई मेरा कोई नहीं है, मैं लाइव चार्ट पे भी बता दिया करूंगा, वहां पे भी प्रैक्टिकल करवा दिया करूंगा। लेकिन ये मेरी भाईजान ऐसा काम है जो तुम लोग करोगे तो आएगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा। एक और बात, कैंडल सब एक जैसी होती है, जिस तरह मेरा खास तौर पे जो मेरे अंदर खामी है, मैं चाइनीज लोगों में फर्क नहीं कर सकता। अभी ये दो तीन चाइनीज देखूं मुझे सब एक जैसे लगते हैं, फीने पीने चीने मीने सारे, मैं चाइनीज में फर्क नहीं कर सकता, शिनाख्त नहीं है मुझे, ठीक है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ना हमने कभी उनके साथ पाला पड़ा, ना हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन है। इसी तरह जानवर है, 15-20 गधे या घोड़े खड़े कर दो तो पहचान में नहीं आएगा कि ये टोमी है, ये हमारा जनाब जैकी है, ये फलां है, ये मेरा हीरो है, ठीक है। वो जिसके हैं उसको ही पता होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन है। आप 5-6 दफा 10-15 दफा 20 दफा 30 दफा उनके नाम देखोगे, उनकी शक्लें गौर से देखोगे, फिर आप उनकी निशानियों को याद करोगे, फिर याद आएगा। दूर दूर से आप टालने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। इसी तरह कैंडल सब एक जैसी होती है, और ये इतनी ज्यादा कैंडल्स आने वाली हैं आपके सामने। फ्री वेबिनार जो मैंने कैंडलस्टिक का किया हुआ है उसमें 50% फ्री सिखाया कैंडल्स, जो सिंगल कैंडल पैटर्न है उसमें मैंने तकरीबन 5-6 कैंडल्स करवा दी थी। जिन लोगों ने उन पे मेहनत की वो आज अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तुम लोग पेड़ से ज्यादा अच्छे वो लोग हैं, वो फ्री करते हैं लेकिन मेहनत तो कर लेते हैं। तुम लोगों को चाहे जितना मर्जी अच्छा स्टाफ दे दिया जाओ, अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम बदतर हो उस फ्री सीखने वाले से। तो 5-6 तो मैंने फ्री में सिखा दी थी, अब तुम लोगों को मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, और फिर अलग अलग किस्म के कैंडलस्टिक पैटर्न जो 5-6 कैंडल्स मिलकर बनाती हैं पैटर्न, ग्रुप होता है कैंडल्स का, वो मैं तुम्हें कम से कम 50 किस्म की कैंडल्स पढ़ा सकता हूं। लेकिन फायदा क्या, अगर तुमने 5 याद नहीं करनी, आज तुम्हें कल 2 सिखाई थी वो याद नहीं की, तो 15-20 कैसे याद करोगे। जो बंदा साथ साथ काम नहीं करेगा, कैंडल को साथ साथ याद नहीं करेगा, वो बंदा तो भाई कैंडल कभी सीख नहीं सकता। बड़े ही अफसोस का मुकाम है आप लोगों का आज का रिजल्ट। एक्चुअली मैं तैयारी करके बैठा हुआ था कि भाई बड़े क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे, और फेलियर जहां जहां पे हमर और हैंजिंग मैन के फेलियर हुए हैं लोग वहां पे पॉइंट आउट करेंगे, तनकीदें करेंगे, उंगलियां उठाएंगे स्टूडेंट। अभी
लाइव वेबिनार में फिलहाल अभी अगर कम से कम 14-15 बंदे तो हो तुम लोग, किसी एक बंदे ने भी जहमत नहीं की सर जी फलां जगह फेलियर हुआ है, आप देखेंगे किसी के एक दो तीन बंदों को कम से कम चाहिए था ग्रुप में पोस्ट करते फलां जगह भाई हमर बना है, फलां जगह हमर का ब्रेकआउट हुआ है या कंफर्मेशन हुई है, हैंजिंग मैन बना है, कितने पेयर हैं यहाँ पर देखो, इतने ज्यादा हमारे पास पेयर हैं, ढेरों हजारों पेयर हैं। तो अल्लाह करे अल्लाह आपको तौफीक दे और तुम लोग सही तरीके से प्रैक्टिस करो, लेकिन मैं एक बात सच्चे दिल से आपको बता रहा हूँ कि तुम लोगों में से जो बंदा भी प्रैक्टिस नहीं करेगा वो गारंटेड कभी भी ये सीख नहीं पाएगा जर्नलिस्टिक, हमेशा वो दूसरों का मोहताज ही रहेगा। अगर जर्नलिस्टिक सीखनी है तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमर और हैंजिंग मैन दोनों की एक पहचान है, सुन लो दोबारा कान खोल के आंखें भी खोलो, एक पहचान है बॉडी ऊपर होएगी विक नीचे होएगी, जस्ट लाइक अ मैन, हमारा सर ऊपर होता है और टांगे नीचे होती हैं। कभी ये भी देखा टांगे ऊपर थी और सर नीचे था किसी बंदे का, बंदा छोड़ो किसी जानवर का भी देखा कभी आपने? तो इसका हमेशा बॉडी ऊपर होएगी और बॉडी से कम से कम 4 या 5 गुना बड़ी होएगी इसकी विक नीचे, ऊपर भी थोड़ा शेडो बनता है तो कोई मसला नहीं है। यहां पे देखिए जरा ऊपर भी कोई शेडो बनता है तो कोई इश्यू नहीं है। और उसके बाद क्या है, हमारा क्रिएट होएगा, आपको नजर आ रही होगा हमारा हमेशा डाउन ट्रेंड, जब मार्केट नीचे आ रही होगी एक अगर हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, मार्केट नीचे आ रही थी यहां पे मार्केट का ब्रेकआउट भी हो गया, नीचे को ट्रेंड था तो हमने ट्रेंड लाइन लगाई, तो यहां पे नीचे ब्रेकआउट भी हो गया, ब्रेकआउट के अंदर उसने एक हमर बना लिया और फिर उसके बाद उसकी कंफर्मेशन दी और ब्रेकआउट भी हो गया, तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए, एक मेरा ब्रेकआउट हो गया, सेकंड कंफर्मेशन हो गई हमारे हैंजिंग मैन की, वी गोट 2 पॉइंट्स एंड बहुत ही अच्छा चांस मिला हमें बाय करने का। हो सकता है हम आर एस आई या मैक डी या कोई और इंडिकेटर यूज करके 2-3 और पॉइंट्स जमा कर लें, मूविंग एवरेज, उससे हमें ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी और हम ज्यादा अच्छे तरीके से अच्छी ट्रेड कर सकेंगे। इसी तरह हैंजिंग मैन हमेशा अप ट्रेंड के एंड पे बनेगा, और यहां पे भी मैंने एक टेढ़ी लगी है मेरे से लाइन, चलें सीधी करते हैं इसको, आप लोग ये ना कहोगे यहां पे हुआ हमारा ब्रेकआउट और साथ ही साथ इस कैंडल के क्लोज होने के साथ साथ दो चीजें कंफर्म हुई, एक ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, सेकंड मेरा हमर कंफर्म हो गया। इसी तरह हैंजिंग मैन अप ट्रेंड के एंड में बनेगा और यहां पे भी दो ही चीजें हमें मिलेंगी। फर्ज करें हम लोग आप लोगों के लिए अब नया टास्क ये है, सुनो अब किसी ने प्रैक्टिस नहीं की, अब लोग आप लोगों ने देखना है हर एक पेयर पे कम से कम 5 हमर 5 हैंजिंग मैन तलाश करने हैं आपने, 5 हमर 5 हैंजिंग मैन तलाश करने हैं आपने हर पेयर पे, और लिखते जाना है साथ साथ और नोट करते जाना है कि भाई हैंजिंग मैन बनने के बाद कंफर्मेशन होने के बाद कितने पिप मार्केट ऊपर या नीचे जाती है, हमर के कंफर्मेशन के बाद कितने परसेंट कितने पिप मार्केट ऊपर मारती है,
और हैंजिंग मैन के बनने के बाद कितने परसेंट मार्केट नीचे मारती है, कितने पे, लाइक आपने ये ऑब्जर्व किया कि एक दफा 25 पिप ऊपर गई, दूसरी दफा 100 पिप, तीसरी दफा ये बन गई भाई 250 पिप ऊपर चली गई, फिर 50 पिप, और ये लास्ट वाला हमारा जो है ये हो गया 40 पिप। तो ये 465 पिप हो गए टोटल, इज इक्वल टू, सॉरी इसको दस पर तकसीम करना था। तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि कम से कम 40% या 40 पिप्स% ऊपर मारता है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया। तो इस तरीके से हम इसकी परसेंटेज निकाल के, और देख कह सकते हैं कि भाई इतने परसेंट या इतने पिप मार्केट ऊपर जाती है। हम एक देख ही लेते हैं यार, 25 पिप ऊपर गई मार्केट, 70 पिप, 30 पिप अंडर, और इसको आपने जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रही, सिर्फ आधे घंटे तक फ्री होता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अलाउ ओके जी। तो कम अज कम इसको फिर मैंने 100 पे कर दिया यार, शिट। कम अज कम आपको मिलेगा कि ये इसकी परसेंटेज निकालने के बाद कम अज कम ये आपको मिलेगा कि ये 25 या 35 या 40, जितना भी रिजल्ट आए वो आपने देख लिख लेना अपने पास, या भैया एवरेज मार्केट का मूवमेंट, मार्केट का एवरेज मूवमेंट 40 पिप का है। हर ब्रेकआउट के बाद, हर हमर के बाद, हर हैंजिंग मैन के बाद मार्केट इतने परसेंट ऊपर जाती है या इतने परसेंट नीचे आती है, यानी कि इतने पिप नीचे आती है। जब तुम लोग ये ऑब्जर्व कर लो खुद से अपनी मेहनत से, तुम कभी नाकाम नहीं होगे, तुम्हें टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाते हुए कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ ये नोट कर लेना है, हैंजिंग मैन कितनी दफा बना और कितने उसके फेलियर हुए, हमर कितनी दफा बना और उसके कितने फेलियर हुए। जब तुम खुद ये ऑब्जर्व करोगे, मैं चाहता हूं तुम लोग खुद ऑब्जर्व करो, जब आप लोग खुद ऑब्जर्व करेंगे तब आप लोग कभी मार नहीं खाओगे, कभी एवर कभी मार नहीं खाओगे। आगे चलते हैं। ये हैंजिंग मैन की एग्जांपल है डे वन पे। अच्छा यहां पे मैंने कल एक पॉइंट शेयर नहीं किया था, वो भी आपको बताता चलूं। हैंजिंग मैन, हमर, जब भी ये क्रिएट होते हैं तो एक चीज बड़ी मजेदार होती है, और जब ये एक कहते हैं ना यार फलां जगह पे फलां पैटर्न क्रिएट हुआ है, या मैं ये कहता हूं कि फलां जगह पे फलां कैंडल क्रिएट हुई है, क्या आपने अक्सर सुना होगा, और साथ साथ आपने ये भी वर्ड सुना होगा यार वहां पे बड़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्रिएट हुआ है, वहां पे बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ने उसको ब्रेकआउट हुआ है, वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दो ट्रेंड लाइनों का जो है वो क्रॉसओवर हुआ है। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है इसमें, जब भी मार्केट पैटर्न के 100% साथ मूवमेंट करती है उसको कहते हैं कि यार ये बहुत स्ट्रोंग है, जब वो पैटर्न के थोड़ा बहुत मिलता जुलता है तो उसको कह दिया जाता है यार ठीक है बस हैंजिंग मैन क्रिएट हुआ है। लेकिन यहां पे मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आज एक और रूल सिखाता हूं। अगर यहां पे देखें ये जो कैंडल है बेरिश कैंडल थी, इसका क्लोज और नई कैंडल का ओपन देखो आप कितना फर्क है, यानी कि मार्केट क्लोज कहां पे हुई
और ओपन कहां पे हो रही है, फर्क है कि नहीं, नजर आ रहा है कि नहीं आपको? चले मैं दिखाई देता हूं आपको, यहां पे ये बैरिश कैंडल क्लोज हो रही है, नेक्स्ट कैंडल यहां से ओपन हो रही है। ठीक है, कितना ज्यादा फर्क आ गया। और जब ये हैंजिंग मैन क्रिएट होएगा या हमर क्रिएट होएगा तो इनका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होएगा ये गैप, यहां पे गैप आया और फिर ये हैंजिंग मैन की जब कैंडल बुलिश वाली क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल फिर ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये नेक्स्ट कैंडल कहां से स्टार्ट हो रही है जाके, यहां से। तो दोनों तीनों कैंडल्स के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, वक्फा नजर आ रहा है, आपको गैप नजर आ रहा है। जब ये गैप क्रिएट हो जाएगा ना हैंजिंग मैन या हमर के अंदर या किसी भी पैटर्न के अंदर कैंडलस्टिक के, ये रूल अपने लिख लो, कैंडलस्टिक के की ही भी गैप क्रिएट हो जाए किसी भी पैटर्न के अंदर, गैप अप गैप डाउन, तो फिर उसको आप कह सकते हैं 100% या आप ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग हैंजिंग मैन। यहां पे इसके जरा रूल स्टडी करें आप, हैंजिंग मैन बनेगा अप ट्रेंड के एंड में, रूल नंबर टू गैप, अप गैप, फिर लो गैप, फिर उसके बाद रियल बॉडी जो है बैरिश हो नेक्स्ट कैंडल की तो वो ज्यादा अच्छा है, जब उसकी क्लोजिंग होएगी तो वो कंफर्मेशन भी हो जाएगी। तो आपको यहां पे 5 रूल मिल गए, 5 रूल। तो फिर उसके बाद अच्छी खासी मार्केट ने डाउन मारा, समय लगी आपको, जब डाउन मारा तो फिर एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो गई और हो सकता है इसके नीचे जाके कोई और पैटर्न क्रिएट हो। एनी हो, हम आगे चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड हमर एंड शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हमर और शूटिंग स्टार भी एक जैसी शक्ल के होते हैं, बुलिश हो या बैरिश हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वर्टेड हमर और शूटिंग स्टार ये भी काम करते हैं हमर और हैंजिंग मैन की तरह। इन्वर्टेड हमर से आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमर को उल्टा कर दें तो ये इन्वर्टेड हमर बन जाएगा, हैंजिंग मैन को उल्टा कर दो तो ये शूटिंग स्टार बन जाएगा। बेसिकली आज जो तारिक भाई ने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, आई थिंक वहां पे इन्वर्टेड हमर बना होगा। एनी हो, पहले हम इसको स्टडी करते हैं बाद में देखते हैं। इनकी भी पहचान वही है सिंपल के इन्वर्टेड हमर बनेगा जहां पे दिक बहुत ज्यादा लंबी होगी, बॉडी से तकरीबन 4-5 गुना बड़ी होगी और विक इसकी लंबी पतली होगी और बॉडी इसकी छोटी होगी। वही सारी रूल्स हैं, बुलिश हो या बैरिश हो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इन्वर्टेड हमर और हमर शूटिंग स्टार, सॉरी, जैसा कि आपने देखा था कि हमर जो है वो हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड पे बनता है, देखा था ना आपने, याद होगा आपको इंशाल्लाह। तो यहां पे भी वही किस्सा कहानी है, इन्वर्टेड हमर भी डाउन ट्रेंड के एंड पे बनता है, डाउन ट्रेंड के एंड पे बनेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न हमारी बनेगा लेकिन ये इन्वर्टेड हमर होएगा और उसकी कंफर्मेशन भी हैंजिंग मैन की तरह ही होगी। हैंजिंग मैन की कंफर्मेशन याद है ना आपको, चले अच्छी बात है, याद है। शूटिंग स्टार सेम टू सेम हैंजिंग मैन के उलट है और उसकी कंफर्मेशन सेम रूल अप्लाई होंगे यहां पे। आगे चलते हैं, देखें आप, बिल्कुल छोटी सी बॉडी है, लंबी सी विक है, इतने बड़े बड़े शेडोज दिए हुए हैं, ठीक है, सेम जस्ट लाइक हमर एंड
शूटिंग स्टार, ठीक है, एक एग्जांपल देख रहे हैं हम यहां पे, डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड के एंड में जाके ये बना हमारा इन्वर्टेड हमर। इन्वर्टेड हमर की यहां पे एक आपको खास बात यहां पे एक नजर आ रही होगी बड़े अच्छे तरीके से कि यहां पे गैप दोनों तरफ बराबर का है, लाइक जब बैरिश का गैप पड़ा, जब बुलिश का गैप पड़ा, बराबर का गैप पड़ा आप देखें यहां पे। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग क्या कहूंगा इसको मैं, इसको मैं स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट तीन, ये यहां पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ है और फिर उसके बाद मार्केट चल पड़ी ऊपर को। अगर मैंने यहां पे इसके 30 या 50 पिप का भी स्टॉप लॉस रखा होता, यहां पे स्टॉप लॉस लगाया होता, तो भी मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को टच ना करती। और ये तो खैर लाइव चार्ट पे, लाइव पे ही मैं आपको पिप्स की गेम बता सकता हूं, यहां पे एक इमेज में तो मैं लाइव पिप्स का हिसाब नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये होएगा काम ऐसे ही करेगा। जो मैंने आपको सिखाया इन्वर्टेड हमर, मैंने आपको हमर सिखाया, शूटिंग स्टार हैंडलिंग मैन अभी सिखाऊंगा या शूटिंग स्टार, ये सारे कहलाते हैं रिवर्सल कैंडल। ये हमेशा क्रिएट होते हैं ट्रेंड के एंड में, यानी कि ट्रेंड जब खत्म हो रहा हो, आखिरी दम पे हो, तो उसके एंड पे क्रिएट होते हैं। लाइक यूएसडी जेपीवाई आजकल बहुत अप गया हुआ है, तो उसके एंड में वो पैटर्न क्रिएट होएगा। या यूरो यूएसडी बहुत ज्यादा डाउन आ रहा था, जीबीबी यूएसडी डाउन आ रहा था कुछ अर्सा पहले, इन्होंने अपने रिकॉर्ड तोड़े हाईएस्ट, तो उनके एंड पे ये बनेगा और ये ऊपर जाएगा। इंशाल्लाह आपको जितनी डिटेल्स है मैं समझा रहा हूं इंशाल्लाह समझ आ गई है। व्हाट इज शूटिंग स्टार, वही सेम स्टोरी, बुलिश ट्रेंड के एंड में बनेगा। यहां पे देखो सिस्टर ये बॉडी कितनी बड़ी है, चेक करो जरा, बॉडी बड़ी है, नीचे कोई विक नहीं है बाहर आई हुई, इसके बावजूद ये शूटिंग स्टार है और गैप भी आया हुआ है। यहां पे आप ये देखो एक चीज नोट करो आप कि यहां पे जब बैरिश कैंडल क्लोज हो रही है जो, वहीं से जाके अगली कैंडल स्टार्ट हो रही है, तकरीबन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, इतना बड़ा गैप नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट है वो गैप ज्यादा है। तो एक गैप है यहां पे, फिर भी वो शूटिंग स्टार ही रहा। हम इनको स्ट्रॉन्ग तरीन कह सकते हैं, कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न के तकरीबन एक जैसे ही। ये चार एक साथ पढ़ाने का मकसद ये था कि तुमने अभी कंफ्यूज हो रहा है इनमें, तो अभी हो जाओ, बाद में ना हो, अभी सीख लो। तो आज हमने पढ़ा हमर, उसके अगेंस्ट इन्वर्टेड हमर, हमने पढ़ा हैंगिंग मैन, उसके अगेंस्ट उसके बिल्कुल मुखालफ शूटिंग स्टार, जब उसको उल्टा करें तो शूटिंग स्टार बन जाता है। तो ये दो ऐसी कैंडल्स हैं, दो ऐसे पैटर्न हैं जो ट्रेंड चेंजिंग में हमारी हेल्प करते हैं, ये ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं, या फिर ऐसा कहें रिवर्स ट्रेड लेने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इनमें आपको बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह, लेकिन चार एक जैसा दिखने वाले पैटर्न से धोखा ना खाएं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका रूटीन बन जाएगी, उतनी अच्छी आपकी समझ हो जाएगी। मैं अभी आपके तलहा आपके आंसर का रिप्लाई करता हूं। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि फाहद तारिक भाई ने जो आज पोस्ट किया है वो क्या है। फाहद तारिक भाई ने जो पोस्ट किया ये डाउन ट्रेंड के एंड में, इसका मतलब साफ है कि ये इन्वर्टेड हमर है, इन्वर्टेड हमर है, उसकी कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन हुई। और देखें ये एनजेड यूएसडी है जी, यहां पे कौन सा ओपन है, एनजेड यूएसडी,
यहां पे देखें, ये एक हमर टाइप तो नहीं, इसकी बॉडी काफी छोटी है, लेकिन इसको हमर कह सकते हैं, डोजी भी कह सकते हैं, लॉजिकल इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा आपको। ये देखो, और उसके बाद अगर ये कैंडल यहां पे क्लोज हो जाती है, दैट मीन कि ये ट्रेंड कंफर्म कर देती है, और उसके बाद इजीली आप बाय कर सकते हो। समझ लगी आपको? आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि ये कैंडल कौन सी है। कौन बताएगा ये कैंडल कौन सी है, इसका एग्जैक्ट नाम कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। सभी लोग चैट में लिख के सेंड करो, चैट बॉक्स में मेरे हर एक का रिप्लाई आना चाहिए। मुझे ये जानना है कि ये कैंडल कौन सी है, ये इस कैंडल का नाम क्या है। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, देखा आपने, शूटिंग स्टार का पैटर्न क्रिएट हुआ, उसकी कंफर्मेशन हुई और मार्केट कितना नीचे आई। हालांकि ये इतना बड़ा ट्रेंड नहीं था, ये इतना बड़ा ट्रेंड नहीं था, ये दो कैंडल्स थी सारी, उसके एंड पे बना और फिर मार्केट शुभ नीचे। अब यहां पे मजे की बात ये है कि दो काम होंगे यहां पे, यहां पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होएगा और हमारा शूटिंग स्टार का यहां सॉरी इन्वर्टेड हमर की कंफर्मेशन भी होगी। तो बाय हम धड़ल्ले से सीना चौड़ा करके कर सकते हैं। ओके जी, जल्दी से तैयार रहो, बी क्विक, मैं और काफी ज्यादा कैंडल्स के नाम पूछने वाला हूं आपसे। ये क्या चीज है जी, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 क्विक का आंसर करें प्लीज। ये क्या है, हमर हमर हमर, ये ऐसी चीजें ये दो तीन मिनट बाद भूल जाती हैं, ये तुम लोगों को क्या मुझे भूल जाती है अगर मैं प्रैक्टिस ना करूं। मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों को अपनी एग्जांपल ये इसलिए दे रहा हूं कि तुम लोग थोड़ा सा होश के नाखून लो कि भाई हो क्या रहा है यहां पे। अगर हमारे गुरु जी भूल सकते हैं तो हम क्यों नहीं भूल सकते, तुम लोग भी भूल जाओगे, गारंटेड बात है। ये देखो, ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये पैटर्न मैंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं सबको, फ्री कोर्स में भी पढ़ाए हुए हैं। आपने वीडियो देखी, मैं आगे चल के आपको सारे पैटर्न पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन मजा बातों की हद तक, लेक्चर अटेंड करने की हद तक लेना है या इसमें कोई प्रैक्टिकल करके कोई प्रॉफिट भी अर्न करना है, इट्स अप टू यू, अवर टू यू कि आप लोग क्या करते हो। आपके हिस्से की ट्रेडिंग मैंने नहीं करनी, पहले दिन कहा था आपको, ट्रेडिंग भाई लोग आपने खुद ही करनी है अपनी, मैंने ना आपके हिस्से का प्रॉफिट करना है। कुछ ऐसे लड़कियां या लड़कियां हैं जिन्होंने ये सोच के फीस मिली दी कि खैर ये सारा काम कर लेंगे, हम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो भाई मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। ये देखो, साफ सीधी बात है, मैं यहां पे पढ़ाता हूं आपको, आप प्लीज खुद काम करना सीखें। कुछ ऐसी लड़कियां या लड़के मेरे पास आए हैं जो कहते हैं सर जी आप हमें हमारी ट्रेडिंग कर दिया करें, ये ले हमारा अकाउंट। कुछ ऐसे आए हैं सर जी आप ना आपके ट्रेड को कॉपी करना है, सारी उम्र मेरे ही मोहताज रहना है आप लोगों ने, प्लीज खुद से कुछ बने। आई रिक्वेस्ट यू कि खुद से कुछ बनने की कोशिश करें, खुद मैं आपसे करवाना चाहता हूं भाई, मैं आपको करके दे नहीं सकता। तो मैंने अभी एक अपने एक बहुत अच्छे स्टूडेंट को एक अकाउंट भी मैनेज के लिए दिया, मेरे पास लोग आते रहते हैं अकाउंट मैनेज करवाने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं दे देता हूं लोगों को। प्लीज आप लोग खुद काम करना सीखें, खुद मेहनत करें, खुद कुछ तवज्जा दें इस काम को। जब तक तुम लोग तवज्जो नहीं दोगे, यकीन करो तुम लोगों को ये काम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मेहनत करोगे तो ये काम आएगा, मैं साफ सीधे बता रहा हूं। और हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, आगे चल के
मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पता नहीं क्या क्या आने वाला है, किन किन चीजों को याद, कंफ्यूज हो जाएगा तुम्हारा माइंड, तुम तो भूल जाओगे अगर तुमने पक्का ना किया आज की क्लास। मुझे गुस्सा ही बहुत आया आपको, आपका रिजल्ट और बिहेवियर देखे। प्लीज फिर बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिस नहीं की, इनको याद नहीं किया, लिख के इनकी पहचान ना की, एक दूसरे को टास्क ना दिए, तो ये हत्थे आने वाले नहीं। मैं आपको बताता हूं, हमर डोजी पिन बार शूटिंग स्टार इवनिंग स्टार और पांच एक छह किस्म तो डोजी की आगे चल के पढ़ाऊंगा, ये सब मिलती जुलती कैंडल्स हैं। धोखा खाओगे तो मरोगे। जिसने भी लॉस कर रहा है, आगे सर ने कहा सर जी ये आपने पढ़ाया था ये देखें ये शूटिंग स्टार बना हुआ है। मैंने कहा यार ये शूटिंग स्टार तो है ही नहीं है, तो पिन बार है, फिर क्या करोगे। तो प्लीज इन चीजों को आप अपने माइंड में रखना, प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं यार मैं, एक दिन में आपको 10 कैंडल्स भी पढ़ा सकता हूं, एक दिन में सारा कुछ खत्म भी कर सकता हूं। मियां इफ्तिखार जो मेरा पहला स्टूडेंट था, 3 लेक्चर में सारी कैंडलस्टिक फटका के वो मारी थी। और ये जो पिछला आपका लास्ट बैच था, उसको एक वीक भी नहीं दिया था मैंने, 3 लेक्चर में उसको खत्म कर दिया। बढ़िया, 4 लेक्चर लगे होंगे, 5 लगे होंगे, एक वीक के अंदर खत्म कर दिया था। आपको इतना तफसील से समझाने की मकसद ये है कि ये वो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट करते हैं, तुम लोग ना करना, तुम लोग प्रैक्टिस कर लो। कल 2 कैंडल पढ़ाई थी, 2 ही आज पढ़ाएंगे, मुश्किल तो इसमें है ही नहीं। मैं ये सोच रहा था कि मुझे तुम लोगों में से कोई बंदा कहेगा सर जी कि इसमें गैप भी होता है, लेकिन तुम लोगों के सर में कोई जू नहीं रही, क्योंकि तुम लोगों ने ना कभी गूगल से चेक किया, ना गूगल से सर्च की, ना यूट्यूब पे वीडियो पर सर्च की के कैंडलस्टिक के ऊपर वीडियो देख लो, या शूटिंग स्टार आज सीखा है, शूटिंग स्टार के ऊपर कोई वीडियो सर्च कर लो, कोई गूगल पे सर्च कर लो शूटिंग स्टार होता क्या है। तो फीक नहीं हुई, पैटर्न देख लें, चार्ट चेक कर लें, तो कैसे आएगा आपको। बहुत मायूसकुन रिजल्ट है आपका, मुझे सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया सोच सोच के। अगर इसी तरह चलते रहे, मूविंग एवरेज पे हमने 2 वीक वेस्ट कर दिए। तुम लोगों में से अभी भी कई बंदे ऐसे कहते हैं मूविंग एवरेज क्लियर नहीं है। मैं भागा नहीं हूं, मुझे एक महीना भी कहोगे तुम मूविंग एवरेज पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या है, जब तुम लोगों ने खुद प्रैक्टिस नहीं करनी, आना नहीं, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या। मैंने फ्री वेबिनार में 6 कैंडल्स निपटा दी थी एक ही दिन में, रूल्स नहीं बताए थे मैंने, तुम लोगों को एक एक कैंडल का रूल बता रहा हूं। फिर भी नोट पैड पे नोट ना करो, नोट्स ना क्रिएट करो, फिर भी आप जो है वो इसको समझो ना, कंफ्यूज हो जाओ, फायदा क्या। हमर और इन्वर्टेड में कितना फर्क है, कोई खास फर्क नहीं है, विक ऊपर नीचे का रोल है। हैंजिंग मैन में और मॉर्निंग स्टार में क्या फर्क है, विक ऊपर नीचे का रोल है। यहां पे जो बंदा कंफ्यूज हो गया वो गया। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैं आपका रिजल्ट देखना चाहता हूं। मूविंग एवरेज जो हो गया उसको साइड पे रखो, कैंडलस्टिक पे अगर आए चलो कैंडलस्टिक में पैटर्न जो कर रहे हो वही हर रोज करते जाओ। आप एक ही पेयर के फाइंड कर लो, तभी तुम्हें इतने स्क्रीनशॉट्स या इतनी पोस्टें मिल जाती हैं ग्रुप में करने के लिए। मजाल है किसी को तो फी को ही हो ग्रुप में पोस्ट करने की कोई, जब तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते, मुझे ग्रुप बनाने का फायदा क्या हुआ। एक दूसरे से सीखते नहीं हूं। कल हम इंशाल्लाह गैप के ऊपर बात करेंगे पहले, फिर हम कुछ और सिंगल कैंडल देखेंगे, फिर ड्यूर एंड ट्रिपल कैंडल्स, कुछ और कैंडलस्टिक के पैटर्न देखने के बाद हम अपना कैंडलस्टिक का सेशन भी क्लोज कर देंगे। जिसने मेहनत ना की उसको कैंडलस्टिक के बीच में से उसको 10 पिप भी नहीं मिलेंगे डेली, जिसने मेहनत की उसको वीक के 200-300 पिप मिल जाया करेंगे। जो बंदा भी अच्छी मेहनत करेगा, अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा, ये इट्स ऑल अबाउट एंड ऑल फॉर यू, सब कुछ आपके लिए ही है। सो फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।
like a Hellcat.